हाय रब्बा, ये किस आदमी के पल्ले बांध दिया मुझे? घर द्वार बीवी बच्चा कुछ नहीं, जो है सिर्फ दारू। इतना बड़ा झगड़ा हो गया पर एने तो कुछ पता ही नहीं चला। इन बच्चों को कुछ हो जाता तो एक दिन कोई आकर मुझे मार जाएगा, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हे भगवान जी, आज मैं एक पिलान कर रहा हूं कि छोड़ दूं। वैसे तो सोमरस आप लोग भी पीते हैं, क्योंकि आप लोग भगवान है ना, तो चलता है। इंसान पीते ही शराबी के नाम से मशहूर हो जाता है। हे भगवान, एक बात है, ये जो बात है ना, हम दोनों के बीच एकदम प्राइवेट रहेगी कि हमने सोमरस पीना छोड़ दिया। ठीक है, चलता है। अच्छा हुआ तू आ गई, चल 51 रुपया दे दे। लो, हो गई शुरुआत। स्वेरे स्वेरे, तुम्हारे दारू के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ। अरे अब ये 51 रुपया हमने दारू के लिए नहीं, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए मांग रहा हूँ। हमने दारू पीना छोड़ दिया है। यकीन नहीं आता तो भगवान जी से पूछ ले। हे भगवान जी, सच सच बताओ, अभी हम दोनों क्या बात कर रहे थे? हमने दारू पीना छोड़ दिया है कि नहीं है? पूछ ले, चल अब तो दे दे। ओए छड्डो छड्डो, ड्रामेबाज। अरे छड्डो छड्डो, जब देखो गुस्सा नाक पे लेके घूमती रहती है। ओए रोहित को जरा अंदर भेज देना। क्यों, क्या काम है? उसी का काम है, 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाने हैं, घर में रखना सेफ नहीं है। तो हमको दे दो, हम जमा कर देते हैं। हाय रब्बा। अरे इसमें हैरान होने की कोनो बात नहीं है, अब ये पैसा हमारे पास ही सेफ है, क्योंकि हमने दारू पीना छोड़ दिया है। ठीक है चलो। हे भगवान। अच्छा तो ये खुफिया खजाना है। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, अगर एक पैसा भी इधर उधर हुआ ना, तो मैं तेनू बट दियांगी। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, यू समझ ले के ये गौरी शंकर का जुबान है। हे वाहिगुरु, मेरे घर वाले नु थोड़ी अक्कल देना।